पिछले साल और इस साल में जो फ़र्क है वो आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। आप समझ लीजिए, पिछले साल मैं बड़े मतलब आसान तरीके से समझाता हूँ और ये बिल्कुल कहते हैं ना वो इजीएस्ट वे टू मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ आवर व्यूवर्स एंड आवर एक्सपर्ट्स कि कल पिछले साल हमें 10 मिनट में 10 कॉलें आती थी और उसमें से 8 कॉलें आती थी फूड किट्स के रिलेटेड, 2 कॉलें आती थी नहीं फूड किट्स और मेडिसिन के रिलेटेड, 2 कॉलें आती थी ऑक्सीजन के रिलेटेड। अब आप इस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, इस वक्त हमें 1 मिनट में तकरीबन 30 कॉलें आती हैं, 1 मिनट में 30 कॉलें। क्यों, कैसे? हमारे पास अभी टॉल फ्री नंबर है, उसमें 4-5 नंबर हैं ऑक्सीजन रिलेटेड, सारे नंबर्स बिजी रहते हैं, मेरा खुद का अलग से नंबर पर्सनल नंबर, तो ये सारी अभी 1 मिनट में 30 कॉलें। अब इस हिसाब से आप रेशो निकाल सकते हैं कि कितनी डिमांड है और ये हम इस वक्त फेस कर रहे हैं। हमने एक इनिशिएटिव लिया है, जैसा कि इन नामसाइद हालात में लोगों को ऑक्सीजन की काफ़ी हद तक ज़रूरत थी, तो इस हवाले से हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स प्रोवाइड किए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किए हैं, ताकि जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उनकी हम किसी हद तक मदद कर सकें। तो अभी कोविड चल रहा है, अभी लोगों की बहुत बहुत नीड है ऑक्सीजन की, अभी हम यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं उनको और फूड किट्स वगैरह, और हमारे यहाँ नर्सिंग भी चल रहा है, तो बस अभी लोग परेशान हैं तो हम लोगों का साथ परेशानी में दे रहे हैं। अभी ऑक्सीजन के लिए हम लोग लास्ट 1 मंथ से हॉस्पिटलाइज थे, फादर मेरा हॉस्पिटलाइज था, तो दैट्स वाई कि हमें ऑक्सीजन की नीड थी, जब घर पे ट्रांसफ़र करना पड़ा तो दैट्स वाई उसके लिए SOP के लिए उनने कहा था टारगेट अप टू 93 रखना है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे। अब वाइफली जो ये मशीन वगैरह होती है इस पर कम फ्लो के और ये इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, क्या इशू आता है खाली सिलेंडर्स पे कि वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है, तो इसलिए अभी हम लोग यहाँ आए हैं अथरूट के लिए, अथरूट के पास, और इनके पास सीरियल नंबर वगैरह लिखा था हम लोगों ने, तो देन आफ्टर दे मेड अ कॉल तो हम लोग मशीन मिल गई हम लोग को वहाँ से। कभी कभार ये भी होता है कि किसी के पास अटेंडेंट नहीं होता है घर में, वो कोविड पॉजिटिव होता है, तो हम खुद उनके घर ले जाते हैं ऑक्सीजन और उनको दिखाते हैं कैसे ये मेंटेन करना है, कैसे लगाना है, तो हम उनके लिए अलग फैसिलिटीज रखते हैं। डॉक्टर्स ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, इवन पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर, फ्रॉम एवरी फील्ड, वो हम तक पहुंचे और इस कोविड में हमने लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंस पहुंचाने की, यानी इस हद तक में हम कामयाब हो गए। इस वेव में, सेकंड फेज ऑफ कोविड में हमने ज़्यादा हेल्प की है बनिस्बत पहली वेव में। हम तैयार रहते हैं क्योंकि क्या पता वहाँ से कौन सा पेशेंट आएगा, वहाँ से सब हॉस्पिटल से यहाँ पे आते हैं, तो हम भी केयरफुल रहते हैं कि क्या कैसे रहना है, तो जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम पूरी मदद करते हैं उसे। और ये जज्बा है, ये जज्बा आप किसी के दिल में नहीं डाल सकते हैं, ये फिक्र, ये दर्द, ये अल्लाह ताला ने किन्हीं दिलों को मुंतखब किया है, जिसको ये दिल, जिसको ये महसूस होता है और वो आगे आके काम लोगों की मदद करता है। तो SOPs को फॉलो करना आप समझ लीजिए बहुत ही नागजीर है, बहुत ही ज़रूरी है, इससे इस चीज़ को रोका जा सकता है। और साथ में जो ये वैक्सीनेशन है ये है गेम चेंजर, अगर हम इसको शद मद के साथ कामयाब बनाएंगे तभी एक बड़ी नुमाया फ़र्क महसूस हो सकती है हमें। Thank you.